आप लोग सोच रहे हो ना मैं क्यों लगेज बैग उठा के लाई हूँ। हम लोग पेरिस जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अभी यहाँ पे बैंक हॉलीडे आने वाले हैं। जैसे मंडे को छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है, तो सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, 3 डेज का छुट्टी है। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना हम पेरिस होके आए। तो पेरिस के लिए हम रेडी हो रहे हैं, मतलब पैकिंग वगैरह होगा। और मैं जो मेरा जो सूटकेस वगैरह है सब मैं गैरेज में डंप करके रखती हूँ। जैसे हम लोग बाहर से घूम के आते हैं, जैसे इंडिया जाते हैं तो कहीं पे जाते हैं, उसके बाद अनपैक करते हैं और सारे लगेज जो है मैं गैरेज में डंप कर देती हूँ। मगर डंप करने के बाद मैं एक प्लास्टिक से ढक देती हूँ कि उसके ऊपर कोई धूल वगैरह, मतलब डस्ट वगैरह ना गिरे। अभी मैं पैकिंग करूँगी और एक्साइटेड हूँ गाइस। जब भी कोई हॉलीडे का बात आता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने में, किसको नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है सबको अच्छा लगता है हॉलीडेज में जाना। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जब हॉलीडेज पे जाती हूँ या तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं क्या क्या रखती हूँ मेरे हैंड बैग पे। और मैं जो अभी पैकिंग करूँगी वो एक छोटा सा बैग है, कैबिन बैग, जो हम लोग फ्लाइट में कैबिन के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि 3 दिन का ट्रिप है तो ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं है, तो छोटे से बैग से ही चल जाएगा। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरा हैंडबैग में क्या क्या होता है, दो हैंडबैग। फर्स्ट जो बैग है उसमें मैं रखती हूँ ऐसा एक वॉलेट, जिसमें कार्ड्स वगैरह सब कुछ ऐसा ही रहता है, तो ये रखती हूँ मैं। उसके बाद मैं एक ऐसा एक बैग रखती हूँ, जैसे खोले तो ऐसा बड़ा हो जाता है, एक बैग रखती हूँ। कभी भी इमरजेंसी कुछ भी, मतलब कुछ ख़रीदा और कुछ लिया तो इसमें डाल के ले सकती हूँ। और ये वाटरप्रूफ भी है तो अच्छा है। ये बैग रखती हूँ एक, और ये बहुत अच्छा है, फोल्डेबल बैग भी है तो अच्छा, आसानी से ऐसे छोटा सा हो जाता है तो बैग के अंदर रखने में भी सुविधा होती है। तो एक बैग रखती हूँ और अभी मैं पेरिस जा रही हूँ तो इसलिए मैं एक जर्किन भी लिया है, मतलब क्योंकि पेरिस का वेदर जो है इंग्लैंड की तरह ही है, अनप्रेडिक्टेबल, तो उसके लिए एक मैंने जर्किन रखा है। क्योंकि जब मैं बाहर घूमूंगी तो फिर से मैं होटल में आके मैं जर्किन लेके नहीं जा सकती, इसलिए मैं मेरे सारे चीज़ बैग में ही रखूँगी। और ऐसा एक कॉम का सेट छोटा सा, ये हैंडी है तो बैग में आराम से रख सकती हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये जो है सबको चाहिए होता है, कब क्या हो पता नहीं, तो ये और हैंड सैनिटाइज़र, ये तो रखना ही चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं पे कुछ भी खाना पड़ता है तो हाथ धोने के लिए अगर वाटर ना मिले, मतलब जगह ना मिले हमको, तो हैंड सैनिटाइज़र से हम अपने हाथ को क्लीन करके खा सकते हैं, तो कोई जर्म्स की कोई डर नहीं है। और लिप गार्ड और टचअप करने के लिए एक फाउंडेशन पाउडर और छोटा सा परफ्यूम, ये एस्टी लॉडर का परफ्यूम है, मस्कारा, क्योंकि मैं काजल का यूज़ थोड़ा कम करती हूँ, मस्कारा ज़्यादा लगाती हूँ, तो टचअप करने के लिए कभी भी आईज़ में तो मस्कारा एक चाहिए होता है, मस्कारा। और एक हेयर क्लिप, कभी भी जैसे गर्मी लगे तो अपने बाल को उठा के ऐसे क्लिप कर दो। और एक लिपस्टिक, जो भी मेरा पसंद की कलर है कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, तो ये मुझे लगता है महर है तो मैक की। और एक छोटा सा मिरर और एक छोटा सा रबर बैंड, ये सब चीज़ मैं मेरे हैंडबैग में हमेशा रखती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। ये जो छोटा सा बैग है इसमें मैं रखती हूँ हैंड टिश्यू,
मेरा फोन और एक छोटा सा पर्स जिसमें मैं पैसे वगैरह रखती हूँ। और क्योंकि जैसे वो बैकपैक है वो तो पीछे रहता है, तो हमेशा फ़ोन आए तो किसी का या तो पैसा निकालना हो, कुछ भी हैंड टिश्यू निकालना हो, उसके लिए बार बार मैं उसको पीछे से लेके खोल लूँगी नहीं, तो मैं इसलिए इसको क्या करती हूँ पीछे बैकपैक को लगा लेती हूँ और इसको सामने ऐसे ही टांग लेती हूँ, जो इमेज फटाफट इस चीज़ को इसको खोल के फ़ोन निकालो पैसा निकालो, तो इसलिए दोनों बैग साथ में रखती हूँ। बस ये सब चीज़ें होती है मेरी हैंड बैग पे जब मैं ट्रैवल करती हूँ। बाकी जो मेकअप का चीज़ है वो मैं बड़ा सा एक पाउच में हेलो 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 हाँ हाँ बोलो কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ আমি ভালোই আছি গো। এই তো চলছে, প্যাকিং চলছে, আমরা ঘুরতে যাব তাই। হ্যালো, কি করছিস আজকে? ওই বললাম তো প্যাকিং একটু চলছে, একটু ঘুরতে যাওয়ার জন্য একটু প্যাকিং ট্যাকিং করছিলাম, এইসবই আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ তুমি কি করছো? আমি তো বললাম আজকে আমি তোমাদের বাড়িতে যাব। তুমি আমাদের তো আসবে আজকে? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, আসো আসো, ভালো তো। কখন আসছো? একটু পরেই যাব। তাহলে তুমি লাঞ্চ কিন্তু এখানেই খাবে, ওকে? না না না, কষ্ট করে আমাদের লাঞ্চ করতে হবে না। আরে দূর বাবা, তোমার জন্য কি আমি থরি লাঞ্চ করব? আমি তো আমার নিজের জন্য লাঞ্চ বানাবো নাকি, তো তুমি আমার সঙ্গে খেয়ে নেবে আর কি, ওটাই আর কিছুই, তোমার জন্য স্পেশাল কিছু বানাচ্ছি না, ওকে? ঠিক আছে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, ওকে, সি ইউ, ওকে, বাই। হ্যাঁ বাই বাই বাই। সরি গাইস, মেরে ফ্রেন্ড কা ফোন আ গিয়া থা, তো ও আবি আ রহি হ্যায় মেরে ঘর মে মেরে সে মিট করনে কে লিয়ে, তো মানে বোলা লাঞ্চ ইহি পে খা লেনা, তো পহলে তো বোল রহি থি নেই নেই, তো মানে বোলা ইয়ার মেরে লিয়ে ভি তো লাঞ্চ বানাওঙ্গি, তো মেরে সাথ খা লেনা, চলতি হু লাঞ্চ বানা লেতি হু, দেখতি হু ঘর মে ক্যা হ্যায়, কুছ আচ্ছা সা বানানে কি কোশিশ তো করুঙ্গি। ফ্রেন্ড হ্যায় মেরি, কোই প্রবলেম নেই হ্যায়, ঘর মে জো রহেগা চলেগা। अच्छा हुआ गाइस मेरे पास पनीर है, तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और पुलाव बना दूंगी, तो बढ़िया लंच हो जाएगा। और दही है, थोड़ा सा सलाद काट लूंगी, तो चलेगा, फ्रेंड है तो इतना से चल जाएगा, बाकी क्यों होने से नहीं होता। वो मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पुलाव बनाने के लिए राइस चढ़ा दिया है, तो राइस वहाँ पे बन रहा है, तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ पनीर के लिए। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं ऑनियन डाल दूँगी उसमें, ऑनियन जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ऐसे ही, तो इसमें टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा कैशू नट, सारे चीज़ों को अच्छे से एकदम फ्राई कर देंगे, थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे सारे चीज़ ऐसे फ्राई हो जाएगा तो मैं कूल होने के लिए रख लूँगी, जैसे ये कूल हो जाएगा तो मैं मिक्सी में इसे पीस लूँगी।
पनीर को मैंने गर्म पानी में सॉल्ट डाल के भिगो दिया है। उससे क्या होगा, पनीर जो है सॉफ्ट हो जाएगा और उसके अंदर सॉल्ट भी घुस जाएगा, क्योंकि पनीर में सॉल्ट कभी कभी अंदर जाता नहीं है, तो इसलिए अगर गर्म पानी में भिगो के सॉल्ट डाल देंगे तो उसके अंदर अच्छे से सॉल्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। जो मैंने अभी भून के रखा था उस मसाले को मैंने पीस लिया है। अभी कढ़ाई को गर्म करके थोड़ा सा ऑयल डाल के तेजपत्ती, सिनेमन स्टिक और छोटा वाला इलायची, ये जो मसाला है उसे मैं डाल दूंगी। रेड चिल्ली पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, धनिया मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था, मगर क्यूमिन मैं 1/2 ही टेबल स्पून डालूंगी, सॉरी टेबल स्पून नहीं टी स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला सबको डाल के अच्छे से भूनना है। जैसे मसाला से अच्छे से भून जाएगा, मतलब मसाले से तेल अलग हो जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। सॉल्ट डालना है अपनी टेस्ट के हिसाब से। जैसे ग्रेवी बॉईल होने लगेगा तो मैं पनीर ऐड करूंगी। मैंने क्यूट मिल्क डाला है क्योंकि मेरे पास आज खोया नहीं है, क्रीम भी नहीं है, तो मैंने मिल्क डाला। तो मिल्क से क्या होता है, क्रीम की जो काम है वो हो जाता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखना, जो क्रीम का जो टेस्ट है वो आ जाता है। पनीर को ऐड करने के बाद इसे चला लेना है और उसके बाद लीड लगा के स्लो फ्लेम में 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में रख लेना है। जब तक वहां पे पनीर बन रहा है मैं यहाँ पे पुलाव बना लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची छोटा वाला इलायची और तेज पत्ती। अब इसमें ऑनियन डाल देना है। पुलाव में थोड़ा सा कैश्यू नट डालने में टेस्ट आता है। थोड़ा सा मटर और कैरेट डाल दूंगी। जैसे सारे चीज फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं बोलती हूँ ना हमेशा, क्योंकि मैं ज्यादा खाती हूँ उस तरह चिल्ली। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, मैं थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको घी पसंद नहीं है तो, या तो घी खाना नहीं चाहते हो तो, मगर पुलाव में थोड़ा सा घी अच्छा लगता है। इतना सा मैं हल्दी पाउडर भी ऐड करूंगी, तो उससे क्या होता है कलर अच्छा लगता है दिखने में पुलाव में। अब मैं राइस ऐड करूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट, मैं थोड़ा सा शुगर भी ऐड करूंगी। अब अच्छे से सबको एक साथ मिला लेना है। मेरा पुलाव रेडी हो गया है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। पुलाव तो मेरा बन गया है, पनीर को मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, पनीर भी अच्छा लग रहा है। पनीर में भी थोड़ा सा शुगर डालूंगी, थोड़ा सा कसूरी मेथी। पनीर में कसूरी मेथी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर लूंगी। देखती हूँ सब कुछ ठीक है नहीं।
वाओ ऑसम सुपर यम्मी, बहुत टेस्टी बनाया है पनीर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा रेस्टोरेंट का पनीर है ना, ऐसा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना। पुलाव भी बहुत बढ़िया बना है। और मुझे कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। मैंने लंच बना लिया है, मेरे फ्रेंड आने ही वाली होगी। ओ मुझे कितना खुशी हो रही है, कितने दिनों के बाद मिलूंगी उससे। और मेरा पेरिस ट्रिप का भी ब्लॉग आएगा, बहुत सारे चीज़ पेरिस में जाके करने के लिए है, सब चीज़ का ब्लॉग करूँगी मैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लेना एक, और मेरे वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करना, जो भी आप लोग नए हो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो उनके लिए क्या बहुत बहुत थैंक यू। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस, मैं फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।